पर दिन। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद नजारा कुछ इस तरह है 360 व्यू में आप लोग। वाओ, ये खोल के देखते हैं ना, खोलो। क्या नाम बीरेन जगह हम खींच रहे हैं, ठोके रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से उस तरफ जाते हैं। Not enter. Entry allowed. Hello friends, good morning and welcome back to my channel again. So friends, आज बहुत दिन के बाद फिर से हम लोग एक ड्राइव पे निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत लेट हो चुका था, घर से निकल के आया था लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं लेट हुआ था। तो अभी हम लोग दूध में पहुंच गया है। दूध में पहुंच के यहाँ पे मिस्टी मुख बोल के एक दुकान है, वहाँ पे सब लोग चाय पी रहा है। तो मैं तो पूरा खाना खा के आया था, तो मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे, हम लोग का सारा के सारा बाइक रुका हुआ है यहाँ पे। मैं आप लोगों को एक एक बाइक दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड, ये है अपाचे आरटीआर, यहाँ पे सारा के सारे बाइक V4 है, FZ 390 ATM, और ये है एक्सपल्स आरी हंटर 350 और मेरा पल्सर, और यहाँ पे एक और 390, और ये है गिटार। तो भाई कैसे हो भाई? एकदम मजा, हाथ मिलाओ। और यहाँ पर फिर से एक FZ हिमालयन, फिर से एक हिमालयन, और ये एवेंजर, और आगे ये है हिमालयन, और सारे के सारे वहाँ पे चाय पी रहा है। तो कोशिश करूँगा मैं रास्ता में वीडियो बनाने के, लेकिन बारिश बहुत हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। मैं अभी रेन सूट पहन के रखा है, तो देखते हैं अगर बारिश नहीं हुआ तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा रास्ता कहाँ जा रहा है, किस जगह जाएंगे हम लोग। तो सब कुछ दिखाऊँगा आप लोगों को, कवर करूँगा सब कुछ। तो अभी इस रास्ते से जाएंगे हम लोग, और उस तरफ द दुधने चारियाली, तो यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं इस तरफ। तो बने रहे वीडियो पे। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग यहाँ से दुधनोय से निकल चुके हैं। तो ये रहा दुधनोय कॉलेज, हम लोग पहुँच गए अभी दुधनोय कॉलेज। तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहा है आज। तो हम लोग आज जा रहा है श्री सूर्य पहाड़, वहाँ पे हम लोग जा रहा है। ये सेकेंड टाइम राइड है हम लोग का सूर्य मोटरसाइकिल राइडर्स क्लब की ओर से। और पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा शायद, जो जिस किसी ने भी देखा है, हम लोग गया था चांदुबी में। तो ये सेकेंड टाइम राइड, सिंस हम लोग का जो ग्रुप का नाम है, राइडर्स ग्रुप का नाम श्री सूर्य पहाड़ को रिलेट करके रखा था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे एक बार जाए और हम लोग का शुरुआत वहाँ से किया जाए। तो शुरू में तो हम लोग वहाँ पे कर नहीं पाया, तो इसीलिए सेकेंड टाइम राइड हम लोगों ने इसमें जाने के सोचा। तो जाएंगे वहाँ पे जाके फिर, और हम लोग उस तरफ से उरपेट बिल होके, जिन लोगों ने मेरे साथ जिसने भी मेरे ब्लॉग देखा है पहले ब्लॉग, तो उन लोग को पता ही होगा उरपेट बिल। तो हम लोग उरपेट बिल में भी जाएंगे, बने रहे वीडियो पे। तो श्री सूर्य पहाड़ तो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, आप लोगों को पता ही है। तो वहाँ पे म्यूजियम वगैरह है, बहुत सारे लोग आगे निकल गया। ये खारा मेथीपारा हम लोग पहुँच गया अभी, इस जगह का नाम है खारा मेथीपारा। तो कैटल्स यही है, इंडियन रोड्स में प्रॉब्लम कैटल्स कभी भी कहीं से भी घुस जाता है। तो इसीलिए वेन एवर यू ड्राइव और राइड आवर इंडियन रोड्स, हम लोग को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि कहीं से भी घुस जाता है।
ये मेरे आगे फिर से और एक आ गया, ये है देखो। ए सब लोग पूरा उर उर के जा रहा है, तो आज क्या हुआ पता नहीं सब कब। ये हम लोग पहुंच चुका है यहाँ पे, ये है नंदेश्वर। अभी हम लोग माटिया पहुंचने वाला है। रास्ता पूरा गीला गीला होके रखा है, इसलिए थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा, स्किड होने का चांसेस रहता है बहुत ही। ये है माटिया। इंडस्ट्रियल एरिया है माटिया का, जो इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर ही है। तो ये है सैनिक स्कूल, ये सब इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं इंडस्ट्रीज। पूरा काम चल रहा है यहाँ पे, तो रास्ता थोड़ा गंदा हुआ है। ओके वेल अप डन। तो हमको यहाँ लेना होगा, सीधा जाएंगे तो हम लोग ग्वालपरा पे जा सकेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुका है आज का फर्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग का आज का, और नेक्स्ट लोकेशन है उरपत बिल। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद जाएंगे सीधा उरपत बिल। तो बने रहिए वीडियो पे। ये यहाँ म्यूजियम है, लेकिन म्यूजियम में फोटो और वीडियोस अलाउड नहीं है, ये म्यूजियम है तो अभी खुला नहीं है शायद। तो अगर आप लोगों को देखना है म्यूजियम तो आप लोगों को आना पड़ेगा यहाँ पे। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुका है। ये हम लोग का सूर्य पहाड़। यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है, 360 व्यू में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज फिलहाल तो कुछ भी प्रोग्राम नहीं है, इसलिए ये कैटल्स वगैरह यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए रखा हुआ है, वो मंदिर है। एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल देखिए हम लोग का बाइक का लाइनअप यहाँ पे सब लोग पहुँच गया है। ट्रेवल विद संतुनु, वाओ। ये खोल के दिखाओ ना, ये खोलो। यहाँ पे यहाँ है अंदर चल रहा है। क्या नाम? बीरेन राय। बीरेन राय कहाँ से हो? लंपी। ओ बीरेन राय, वेलकम वेलकम टू सूर्य मोटरसाइकिल क्लब असम। की नाम? विक्रम। विक्रम लिम्बो। लिम्बो, ओ माय गॉड। क्या नाम? सुबह दिनेश लामा। दिनेश लामा, श्याम शर्मा। ओके गुड गुड, वेलकम। हाँ वेलकम। हम लोग का ग्रुप का प्रेसिडेंट डिसीजन क्या ले रहा है आज, पूछते हैं इनसे क्या क्या है आज का प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या क्या है? गांधी जयंती के नाम पे आज वो राइड ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और सो पीस एंड यूनिटी के लिए हर जगह हम पीस रहे और यूनाइट होके रहे। यो तो आज पहली बार श्री सूर्य पहाड़ में आया है हम लोग का राइडिंग ग्रुप, इसीलिए आज थोड़ा पूजा वगैरह होगी यहाँ पे, तो पूजा के लिए कुछ सामान। अच्छा ठीक है, हमें जीतू आज আমার মোটরসাইকেল রাইডার্স ক্লাবটোর নাম হল সূর্যা মোটরসাইকেল রাইডার্স ক্লাব। তো যেহেতু আমি এটা ফার্স্ট টাইম হয়েছো, আর এই মন্দিরটোর নামতে আমার ক্লাবের নামকরণ করা হয়েছে। তো আজি আমি ফার্স্ট এতে আইছো, এটা আমি সকলে মিলি কেনে আমি এটা আশীর্বাদ করিম, যাতে আমার ক্লাবটো এই নহক, বহুত আগলকে আগবাড়ি যাক তাই কামনা করেছো। তো আপনাদের চাই থাকতো শ্রী সূর্যা পাহাড় মে জিতনা ভি चीज़ें है, क्या क्या चीज़ है सब एक्सप्लोर करेंगे। पहले पहले यहाँ पे जाएंगे और थोड़ा पूजा दे के आ रहा हूँ। तो मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, भगवान कृपा करना। तो हम लोग का जो पूजा
जहाँ पे श्री सूर्य मंदिर है हो गया हम लोग का। अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के कुछ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, जो भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है जो भी है यहाँ पे मंदिर वगैरह हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे तो ज़्यादातर मंदिर ही है, मंदिर को ही हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और यहाँ का डिटेल्स इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। कैमरा अलाउड है वहाँ पे जाएंगे। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज हम लोग दो लोकेशंस टारगेट किया है, इसीलिए अच्छा से आप लोगों को देखा नहीं पाऊंगा। फिर कभी आऊंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ का नज़ारा। तो यहाँ पे 99,999 शिवलिंग्स है, तो वहाँ पे जाने से आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर भी है तो फेब्रुआरी महीने का 17th को, इस साल का 17th को, मीन्स 2024 का फेब्रुआरी महीने में यहाँ पे मेला होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होगा जो कि माघी पूर्णिमा होता है, तब यहाँ पे मेला बहुत बड़ा होगा। तो आप लोगों को अगर आना है तो यहाँ पे आ सकते हैं फेब्रुआरी का 17 में, नेक्स्ट ईयर फेब्रुआरी। इस साल का तो चला गया फेब्रुआरी में, तो नेक्स्ट ईयर अगर आप लोगों को आना है तो मेला में आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये है लेक, देख सकते हैं यहाँ से उस तरफ जा सकते हैं ये लेक। तो भाई लोग कैसा लगा आज यहाँ पे आके? एकदम बढ़िया, ऊपर वाले ने बहुत मस्ती हो रहा है, नहीं दिया आज, बढ़िया ना, मौसम भी बहुत एक नंबर है आज। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गुवाहाटी सर्कल से बिलोंग कर मतलब एरिया में पड़ता है ये एक्सकवेटेड साइट। यहाँ पे बहुत सारे एक्सकवेशन किया है और बहुत सारे एंशियंट रिमेन्स, बहुत सारे पुरानी चीज मिला है यहाँ पे। जो यहाँ पे ऊपर जाने से बुद्धा स्तूपा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं ये एक शिवलिंग यहाँ पे प्रोटेक्शन के साथ रखा है। और वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही शिवलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक शिवलिंग है और उस तरफ देख सकते हैं वो सब बहुत सारे शिवलिंग्स है यहाँ पे बुद्धिस्ट रिमेन्स। तो ये लगभग 132 किलोमीटर फ्रॉम गुवाहाटी, तो ये ग्वालपरा डिस्ट्रिक्ट में है। तो आई एम टायर्ड नाउ। देखो ये बुद्धिस्ट रिमेन्स, ये देख आप लोग देख सकते हैं ये बुद्धिस्ट का जो बुद्धिस्ट लोगों का जो फ्लैग है, उन लोग का जो प्रेयर इंस्टेंस है वो प्रेयर, ये प्रेयर का फ्लैग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने मेरे वीडियो पे दिखाया होगा जब मैं भूटान गया था, वहाँ पे आप लोगों को अच्छा से दिखाया मैंने। तो ये यहाँ पर भी है, श्री सूर्य पहाड़ में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और तो इस तरफ जाने से कुछ पुराने जमाने का घर जैसा चीज़ देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाके मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे, ये सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे बहुत सारे जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, डू नॉट एंटर, यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। देख सकते हैं आप लोग ये घर जैसा है, वहाँ पे शायद मेन जो लीडर वो बैठ के शायद मीटिंग वगैरह सुनाता था, ऐसा ही लग रहा है, घर जैसा ही लग रहा है ये। ठीक है, इसके बारे में इंटरनेट में भी लिखा है, अगर आप लोगों को और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग गूगल में खोज के देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी एक और शिवलिंग था, ये टूट गया। तो सारे के सारे नज़ारा देख सकते हैं, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है, क्या ही सुंदर है। देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं क्या नज़ारा है, ओह माय गॉड, पूरा दिल खुश हो गया यहाँ पे आके। पहले भी आया था मैं, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, आज इतना कर रहा हूँ। आप लोग भी आने से भी केयरफुल रहना, क्योंकि कुछ चीज़ें
पुरानी हो चुके हैं, टूट भी सकते हैं। वहाँ पे आप लोग अगर स्टैम्प किया तो वो टूट भी सकते हैं, इसलिए वहाँ पे घुसने नहीं दे रहा है। ये देख सकते हैं नजारा, उस तरफ कुछ ऑफिस वगैरह होगा शायद, रेसिडेंशियल एरिया। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो नज़ारा कुछ इस तरह है। जा रहा हूँ, अभी जाने की तैयारी में हूँ। तो जैसे कि वहाँ पे आप लोग बुद्धिस्ट रिमेन्स है, बुद्धिस्ट स्टूपास है वहाँ पे, तो बीच में हिंदू स्टूपास, हिंदू रिमेन्स, और उसके बाद वहाँ पे जैन लोगों का रिमेन्स भी है। उस तरफ अगर जाएंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी ले चलते हैं वहाँ पे लोगों को, ठीक है। तो ये रहे जैन के स्टूपा, एक कब्र साइड इस तरफ है, वो रहा जैन। अभी आज वहाँ पे नहीं जाऊँगा, फिर कभी आने से आप लोगों को दिखाऊँगा। यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ। वो जो आप लोग को जो घर वगैरह देख रहा है वही है जैन, जैन रिमेन्स, जैन केफ, जैन केफ वही है जैन केफ। तो वहाँ पे जाने से जैन केफ देखने को मिलेगा। बच्चा लोग हाथ हिला रहा है। तो यही था यहाँ पे आज के लिए, यही था यहाँ तक ही है। अगले लोकेशन पे जा रहे हैं हम लोग। अगले लोकेशन है हम लोग का उर्पर बिल, वहाँ पे जाएंगे। फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे। कैसे है जोश? मजे में। ये भी लग सब नया राइडर है। ये भी एक दब दब नया वाला।